सब्सक्राइब कीजिए बीजीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके सहारनपुर की राजनीति से जुड़ी हुई हर वीडियो और न्यूज सबसे पहले। गंगा विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के कार्यक्रम क्षेत्र में हो रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे चौधरी इंद्र सेन भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। चौधरी परिवार को इस बार आस है कि उनकी झोली में गंगो की सीट जा सकती है। शायद यही वजह है कि उनका उत्साह देखते ही बनता है। तीतरो क्षेत्र के ग्राम पूजना में चौधरी इंद्र सेन का जोरदार स्वागत हुआ। एक बार देखिए क्या कुछ कहा चौधरी इंद्र सेन ने। जोश खरोश के साथ सभी पार्टियां मैदान में आ गई, लेकिन आप लोगों के जोश खरोश को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके सामने जो है कोई टिकने वाला नहीं है। लेकिन कहना यह है कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए, इसको बढ़ाते रहना चाहिए। जितना हम बढ़ाओगे, जितना हम मजबूती के साथ जो है इसको लेकर चलेंगे, तो ये और मजबूत होता चला जाएगा। बरकरार तो रहेगा, मजबूत होता चला जाएगा। बहुत से कहें कि इसको बरकरार रखो, मैं ये कहूँ इसको बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाने में बढ़ेगा भी और बरकरार तो है ही। और खास तौर से आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि कोई भी जो किसान समाज से भी हैं लड़के युवा, मैं उनसे भी ये अपील करता हूँ कि जो गरीब से गरीब आदमी भी है, जो मजदूर परिवार से भी है, जितना प्यार सम्मान आप लोग उनको देंगे आगे बढ़ के, उससे कहीं ज्यादा जो है आप लोगों को जो है मैं बड़प्पन देंगे। उनको प्यार से गले लगाओगे, हर जाति बिरादरी के लोगों को, तो एक आपस में भाईचारा बढ़ेगा, सामंजस्य स्थापित होगा और आप मजबूती के साथ बड़ी से बड़ी समस्या को लड़ने में सक्षम होंगे। ज्यादा न कहते हुए मैं इतना कहूंगा कि आज हमारा देश दुनिया के अंदर सबसे युवा है, लेकिन बड़ों के आशीर्वाद के बिना अस्थाई सफलता नहीं मिल सकती। हम अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके अगर किसी मामले में कोई बात बड़ों की तरफ से ऐसी है कि हाँ उसमें सुधार किया जा सके, तो उनको अपने सभ्यता के दायरे में रहते हुए उनके सामने अपनी बात रखें, क्योंकि माँ बाप ही चाहोगा कि मैं मेरी अगर हार हो तो मेरी औलाद से हो और किसी से ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए उनको मनाओ, बताओ कि इस तरीके की बात है। समस्याएं आप लोगों के सामने बहुत है, आपके जो फिलहाल की समस्याएं हैं, अपने आसपास की जो समस्याएं हैं वो सबके सामने हैं। एक विशेष बात का ध्यान रखने की बात है कि जो टेलीविजन पर परोसा जा रहा है, हम उस पर समर्पित होकर अपना मतदान ना करें। वो समझो हम अपने आप मतदान नहीं कर रहे, हम अपनी विवेक बुद्धि से मत नहीं दे रहे, हम अपने आसपास की समस्याओं को देखते हुए, अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए वोटिंग करेंगे, तो नु समझो हम अपनी बुद्धि से वोटिंग करेंगे और सही मायने में जनप्रतिनिधि चुनका होगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आज के जमाने में बहुत अच्छा है, इसका सदुपयोग होना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आप लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरीके से करें कि आपके साथ एक लंबा कारवा बनता चला जाए। जहां तक आप लोगों की समस्याएं की बात है, ईश्वर कामयाबी दे, 21 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे, साइकिल का निशान है, कोई कहीं कुछ भी कहे, अब वो इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है, वो समुदाय या संप्रदाय उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, वो कहीं जा रहा हो, आप लोगों को सिर्फ ये कहना, हमें तो
नाम लेके हमें तो अपनों के साइकिल का बटन दबाना, हमें कुछ नहीं पता 24 तारीख के रिजल्ट पे। और इस जिले के अंदर ईश्वर से डरता हुआ कह रहा, आप लोगों की सहयोग और मदद से इस जिले के अंदर परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी ने जो नाम रोशन किया है पूरे देश के अंदर, वो तो हो नहीं सकते। ऐसी ऐसा व्यक्तित्व तो एक बार ही जन्म ले। 10 अक्टूबर उनका जन्म दिवस भी है यू महीना, तो हम उनको भी याद करते हुए अपने मतदान का अधिकार, अपने मतदान का उपयोग करें और कोशिश करेंगे कि वही जलवा आने वाले समय में जिले के अंदर आप लोगों का हो। चौधरी यशपाल सिंह हमारे, चौधरी रुद्र सिंह जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी दिख खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए बीजीटी न्यूज़ को।